माइ स्टूडेंट्स जो लेबर पॉलिसी 2010 है वो ये कहती है कि ह्यूमन रिसोर्स जो है वो किसी भी कंट्री का मेजर कैपिटल है और प्रेजेंटली हाईएस्ट अमाउंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज जो है वो पाकिस्तान अर्न करता है थ्रू द लेबर फोर्सेस एम्प्लॉयड अब्रॉड जो प्रोसीजर है रिगार्डिंग एक्सपोर्ट ऑफ मैन पावर पॉलिसी ये कहती है 2010 की कि उसे सिंप्लीफाई करना चाहिए स्ट्रीमलाइन करना चाहिए बाय मेकिंग नेसेसरी अमेंडमेंट इन द इमीग्रेशन रूल्स ताकि इंश्योर किया जा सके एक्सपीडिशियस प्रोसेस ऑफ लेबर डिमांड इन दर फॉरन कंट्रीज इसके अलावा लेबर पॉलिसी 2010 इस बात पर भी फोकस करती है कि वो लोग जो एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर्स हैं जो पाकिस्तानी लेबर को इंट्रोड्यूस करवाते हैं फॉरेन कंट्रीज में उनको भी इंसेंटिवस देने चाहिए ताकि वो अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकें लेबर पॉलिसी 2010 जो है ये फोकस करती है कि जो पाकिस्तानी एम्बेसीज हैं दूसरे ममालिक में वो नेसेसरी कोऑपरेशन करेंगी टू द डेलीगेशन ऑफ ओवरसीज एम्प्लॉयर्स और ऐसे लोग जो कि यहाँ पाकिस्तान से दूसरे मुल्क में वर्कर्स की एम्प्लॉयमेंट्स की अपॉर्चुनिटीज़ को ढूंढे जाते हैं वो अम्बेसीज उन लोगों को फैसिलिटेट करेगी ताकि वो बेहतर तरीके से वहाँ के एम्प्लॉयर्स को विजिट कर सकें और मैक्सिमम जो वर्कफ़ोर्स है वो पाकिस्तान से बाहर जा सके ताकि फॉरेन रिमिटेंस अर्न की जा सके इसके अलावा माइडियर स्टूडेंट्स जो गल्फ़ रीजन है वो बड़ा इम्पोर्टेंट रीजन है वर्क फोर्स की एक्सपोर्ट का तो वो लोग जो रिलेटेड हैं गल्फ से जो लोग गल्फ़ के एम्प्लॉयर्स को वर्क फोर्स को सप्लाई करते हैं उनको भी वहाँ पर बेहतरीन फैसेटीज़ दी जाएगी ताकि जो लेबरर्स हैं वो पाकिस्तान से जा सकें और फॉरन रिमिटेंस जो है वह पाकिस्तान को आ सके इसके अलावा जो मेजर स्टेप्स लेबर पॉलिसी पाकिस्तान रिकमेंड करती है फॉर द एक्सपोर्ट ऑफ मैन पावर टू अदर कंट्रीज वो ये है कि गवर्नमेंट जो है वह फॉर्मुलेशन ऑफ मैन पावर एक्सपोर्ट कमेटी करेगी और मैन पावर एक्सपोर्ट कमेटी जो है वो बनाएगी मार्केटिंग प्लान एंड स्ट्रेटजीज फॉर द इन्हांसमेंट ऑफ मैन पावर एक्सपोर्ट इसके अलावा गवर्नमेंट जो है वो इस चीज़ में भी इंटरेस्टेड है कि ट्रेनिंग प्लान बनाए जाएं फंक्शनल लैंग्वेज कोर्सेज करवाए जाएं अरेंज किए जाएं फाइनेंशियल रिसोर्सेज फॉर द ट्रेनिंग ऑफ द वर्क फोर्स ताकि जो दूसरे ममालिक हैं वहाँ पर पाकिस्तान की वर्कफोर्स को एम्प्लॉयमेंट मिल सके इसके अलावा पॉलिसी 2010 लेबर पॉलिसी 2010 इस चीज़ की भी फेवर में है कि रोड शोज़ किए जाएं, जॉब फेयर्स जो हैं वो दूसरे ममालिक में किए जाएं ताकि जो पाकिस्तानी वर्कफोर्स है उसको एम्प्लॉयमेंट की जो अपॉर्चुनिटीज हैं वो मैक्सिमम अवेलेबल हों लेबर पॉलिसी 2010 जो है इट हैज फुल कंसर्न विद द एक्सपोर्ट ऑफ मैन पावर फ्रॉम पाकिस्तान टू अदर कंट्रीज और इस सिलसिले में लेबर पॉलिसी इस चीज पर फोकस करती है कि मार्केट स्ट्रेटजीज बनाई जाएं। एक्शन प्लान फॉर एम्प्लॉयमेंट अब्रॉड बनाया जाए और जो स्किल रिक्वायरमेंट्स हैं ऑक्यूपेशन से रिलेटेड उनकी ट्रेनिंग का बंदोबस्त विद इन पाकिस्तान किया जा सके ताकि स्किल्ड लेबर जो है वो उन रिक्वायरमेंट्स के को मैच करे जो कि फॉरेन कंट्रीज को चाहिए होप यू हैव अंडरस्टूड द टॉपिक थैंक यू वेरी मच इन डीप